हेलो गाइस के दोस्तों, हेलो आप सबका स्वागत है जी डी फाइव के वीडियो में। मेरा नाम है फैगिन और गाइस जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम हल की बर्थडे की तैयारी के लिए उसके सारी सारी गाड़ियां चुरा के लेके आ गए थे क्योंकि हम उसको सरप्राइज देने वाले उसकी गाड़ियां अपग्रेड करके। तो हमने उसकी तीन गाड़ियां चुराई थी, तो हम तीनों को अब करेंगे अपग्रेड और उसको देंगे सरप्राइज गिफ्ट जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। और उसका बर्थडे तो सबके साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, तो देखते हैं यार कौन क्या क्या गिफ्ट देता है। अरे यार मैं तो एक बहुत ही बढ़िया वाला सूट देने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और महंगा होगा। अरे मैं तो एक हेलीकॉप्टर दूंगा। अभी तक सोचा नहीं है। अरे मैं उसको डायमंड की रिंग दूंगा। तो यार ये तो सबके सब यार बहुत ही तगड़े तगड़े गिफ्ट है। मैंने यार अभी तक सोचा नहीं है यार मैं उसको क्या दूंगा। अरे आयरन मैन ये तो बता कि हल्के रिश्तेदार आने वाले थे ना, वो अभी तक आए कि नहीं? अरे यार मैंने उनसे बात करी, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे यार। चल ठीक है, अच्छा है थोड़ी देर में आ जाएंगे तो यार मस्त उनके साथ यार उस हल्के का बर्थडे बनाएंगे। तो यार मैं सोच रहा था और बस इंजन मैं क्या दूं। अरे विकी आपको ज्योति रहे दिनों, अगर चाहते तो मुझे चंको भी दे दो। अबे भाई देखो को दूं भाई, हल्का बर्थडे तेरा बर्थडे नहीं है, रुक जा मुझे कुछ ना कुछ तो सोचने दे। चले मैं बाहर जाके सोचता हूं कुछ ना कुछ। अरे अरे तुम आ गए। हाँ फ्रैंकलिन, तुमने हमें बुलाया था इसलिए हम आ गए। मैं हूँ हल्का चाचा और ये हल्का बड़ा भाई। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी ऐसे कैसे बात कर रहा है? और ये ऐसे ही बात करता है। बढ़िया है भाई, गाना वाना गा के बात करते हैं। और आप देखो सभी कितना ज्यादा बड़ा है भाई, ये हल्के चाचा और ये हल्का भाई भी कितना ज्यादा बड़ा है। तो चलो आपका स्वागत है यहाँ पे। अरे सुनो भाई शिनचैन, एक काम कर तू, इनका यार बिल्कुल ढंग से ध्यान रखे और जो भी इनको जरूरत हो सबका सब कर दे। मैं जा रहा हूँ कुछ ना कुछ हल्के लिए गिफ्ट सोचने। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे काम है कुछ। तो गाइस मैंने अभी इनको बोल दिया सारी सारी पार्टी की तैयारी करने के लिए और मैं चाह रहा हूँ यार कुछ ना कुछ गिफ्ट सोचने। मुझे कुछ ना कुछ तो हल्को देना ही पड़ेगा। मुझे यार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं उसको क्या दूँ। ऐसा कुछ देना चाहिए जो इसको काम आया, सबके सब अच्छी अच्छी चीजें दे रहे, मुझे भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो चलो चल के सोचते। तो अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपके पास कोई आइडिया गिफ्ट का तो फटाफट जाके कमेंट में बता दो। हल्के लिए आज का दिन बहुत ही खराब है मेरे लिए, आज मेरा बर्थडे पर कोई भी मुझे विश नहीं करना है और मेरी सारी की सारी गाड़ियां भी चोरी हो गई। हर बार मेरे भैया और चाचा हमेशा मुझे मिलने आते बर्थडे पे पर वो भी नहीं आए। आज का दिन मेल में बहुत ज्यादा खराब है, मेरे साथ कोई है भी नहीं जिसके साथ मैं पार्टी कर सकूं और मुझे यहाँ पे टेनिस खेलना है, उसके लिए मेरे पास कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं टेनिस खेल सकूं। आज का दिन बहुत ही खराब है, मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा मैं समझ गया मुझे हल्को क्या गिफ्ट देना है। पहले मैं यहाँ से फटाफट से निकल लेता हूँ, ये मुझे यहाँ से देख नहीं ले। तो गाइस अब मुझे पता चल गया मुझे यार हल्को क्या गिफ्ट देना है। बहुत ही बढ़िया मुझे चीज मिली क्योंकि यार हल्के यार हमेशा अकेला रहता है, उसके साथ यार कोई टेनिस खेलने के लिए भी नहीं और वैसे भी यार वो हमेशा अकेले घर पे घूमता है। तो मैंने सोच लिया मैं उसको देने वाला हूँ एक लड़की, मतलब गिफ्ट नहीं देने वाला, मतलब हम लड़की ढूंढने वाले हल्के जिससे हल्के शादी कर सके। क्योंकि अगर हल्के उससे शादी कर लेगा तो वो लड़की हमेशा इसके साथ रहेगी, उसके साथ टेनिस खेलेगी और मतलब हमेशा इसके साथ रहेगी। ये रो भी उसके साथ सकते हैं, हंस भी उसके साथ सकते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो एक काम करते एवेंजर्स के पास चलते, मैं उनसे पूछता हूँ यार क्या पता उनके पास कोई आइडिया हम हल्की शादी कैसे करा सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एवेंजर्स हाउस और मैंने आयरन मैन से बात कर ली थी, उसको मैंने कोने में बुला लिया ताकि उसके भाई भाई ने सुन ले हल्की शादी के बारे में क्या पता उसको बता दे। तो अभी मैंने चुपचाप से आयरन मैन को यहाँ पे बुला लिया, तो इससे फटाफट से बात करते हैं। अरे फ्रैंकलिन यार तू बोल यार क्या हो गया यार, तूने मुझे क्यों बुलाया, मैं पार्टी की तैयारी कर रहा था यार। अरे भाई मेरी बात सुन, देख मैंने एक हल्के लिए बहुत ही बढ़िया गिफ्ट सोचा है। हल्के यार हमेशा अकेला रहता है, वो घर पे भी अकेला रहता है, मतलब यार बहुत ज्यादा गम में भी रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसकी शादी करा दे। तो मैं सोचा था कोई लड़की वड़की तेरे ध्यान में, मतलब जो हल्के के साथ शादी कर सके। क्या तुम हल्की शादी कराओगे? और हाँ यार मैंने सोचा है मतलब मस्त गिफ्ट होगा ना। अरे हाँ यार बहुत ही बढ़िया गिफ्ट होगा यार, मेरे पास एक आइडिया है। अभी क्या आइडिया है? अरे मैं एक लड़की को जानता हूँ जो जिससे हल्के शादी करना चाहता है, पर वो लड़की हल्के से शादी नहीं करना चाहती, उसको हमको मनाना होगा। अरे तू टेंशन मत ले, मैं मना लूंगा, बस तू बता मिलेगी कहाँ पे। अरे वो हमें मिलेगी स्नोलैंड में। क्या स्नोलैंड? तो गाइस अभी मैंने आयरन मैन से सारी सारी चीजें पूछ ली, हमें जाना है स्नोलैंड, एक जादुई नगरी, वहां पे मिलने वाली है हमें वो लड़की, तो फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आ चुका हूँ, अभी आपको लग रहा हो कि यहाँ पे तो हर जगह मिट्टी मिट्टी, यहाँ पे स्नो कहाँ पे है? हमें यहाँ से एक टेलीपोर्टर में जाना है, पर ये क्या चीज है? अबे ये इस लड़के में से भाई ये दिवाली के फटाके क्यों निकल रहे? अरे भाई कौन है तू? अरे तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अरे भाई मुझे तो स्नोलैंड जाना है। अच्छा स्नोलैंड जाना है, तो क्या दोगे मुझे? क्या चाहिए तेरे को? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, स्नोलैंड जाने के लिए तुमको कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो कीमती हो। क्या कीमती चीज चाहिए होगी? पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और एक आइडिया मेरे पास, अरे बाइक है ना मेरे पास, ये बाइक रख लो, ये चलेगी बाइक? अरे हाँ बिल्कुल चलेगी। अबे ये क्या चला गया? अबे ये क्या हो गया?
अबे लगता है मुझे अंदर जाना चाहिए यार, वो मेरी बाइक भी लेके लगता है उसने स्वीकार कर ली, अबे अंदर कैसे जाऊँ? अरे रुको यार, बम लगा के लगता है इसको फोड़ना ही पड़ेगा भाई, हाथ से खोलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरा। फटाफट से बम निकालते हैं उसके ऊपर लगाते हैं और उसको फोड़ देते हैं। एक और लगाऊंगा, चलो एक से फोड़ के देखते हैं। और ये फूट गया, इसका पूरा का पूरा गेट बाहर आ गया, तो मेरे पास टॉर्च भी है, तो फटाफट से देखते हैं। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा अंदर जा रही है, तो चलो इसके अंदर चलते। तो गाइस यार अभी तक लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि भाई हम हल्के लिए उसकी लड़की ढूंढने इतनी गहरी गुफा में जा रहे हैं। अरे भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो रखा है। अरे भाई ये क्या है? अबे यहाँ पे तो इंसान लेटा हुआ है। अरे भाई साहब क्या हो गया? अबे नहीं, ये इंसान नहीं है। अबे ये क्या हो रखा है इसको? अरे भाई उठो। अरे भाई क्या हो रहा है भाई? अबे लगता है मुझे इसी साइड जाना चाहिए। हेलो कोई है क्या? अरे ये क्या हो गया? अबे अंधेरा कैसे हो गया? अरे बचाओ। ए भाई कहाँ गया मैं? अबे कहाँ, दूर से फेंक दिया मेरे को हवा में से। अबे एक सेकंड, यहाँ पे तो हर जगह बर्फ है। अबे ये स्नोलैंड तो नहीं है? अबे यहाँ पे कोई है तो नहीं, पहले चेक कर लेता हूँ। अरे नहीं कोई नहीं है। अरे भाई मुझे लग रहा है ये स्नोलैंड में आ चुका हूँ। अरे वो टेलीपोर्टर बिल्कुल सही था, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। चलो यार यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं। अरे भाई साहब यहाँ पे क्या ही तगड़ा बना हुआ है, और यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा मुझे? अबे भाई पूरी जगह बस बर्फ ही बर्फ हो रखी है। भाई हाथ में यार गन रख लेता हूँ, एक तो पता चले एकदम से कोई सामने आ जाए। अरे भाई कोई है क्या? हेलो भाई कोई है क्या यहाँ पे? अरे यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया भाई? कौन से सुर ले? अरे ये कौन है, कौन है? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अबे कौन है? तू गोली मार दूंगा, बता कौन है, जल्दी नाम बता तेरा। अच्छा मेरे ही घर में आके मेरे से ही पूछ रहे हो? ये स्नोलैंड मेरा ही है, इन गोलियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, और इधर मेरे अलावा कोई रहता भी नहीं है। अच्छा तो तू ही है वो? अरे क्या काम है बताओ? अरे मैं काम तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड रुक जा सोचने दे, एक सेकंड रुक जा सोचने दे मुझे। अरे क्या काम था? मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा। गन से मारू? नहीं चलो गन से ही मारते, मुक्के से मारते। ये ले निकल ऐसे, इसको बेहोश करते। ये ले बेहोश तो गई ना? अरे हाँ बेहोश हो गई। तो गाइस हमने इसको पकड़ लिया, क्योंकि यार ये हल्क से शादी तो करने नहीं वाली थी। अगर इसको बोलते कि हल्क से शादी कर ले तो ये करने नहीं वाली थी, तो हम इसको किडनैप करके यहाँ से लेके जाने वाले। तो चलते यहाँ से। डॉक्टर स्ट्रेंज बुला मुझे। ओरे बाबा कोल्ड क्रीम, आइसक्रीम, कोल्ड क्रीम। अरे फ्रैंकली तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया डॉक्टर स्ट्रेंज, इसको फटाफट से हल्की शादी के लायक बना दो, इसको ताकतवर बना दो ताकि हल्क से शादी कर सके। A few moments later. तो कैसर क्या आप तैयार हो हल्क की पत्नी देखने के लिए, जिससे हल्क यार शादी करने वाला है? मतलब अभी हुई नहीं पर होएगी। 3, 2, 1 ये रही उसकी पत्नी जिससे इसे शादी होने वाली है, और हमने इसको मना लिया उससे शादी करने के लिए, और ये भी मान चुकी है। और यार ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है भाई हल्क की तरह। अरे थोड़ी अपनी ताकत वाकत तो दिखाओ। अरे ठीक है अभी दिखाती हूँ। आयरन मैन ये ले, इसका मैंने सूट तोड़ दिया, इसका दांत तोड़ दिया। अरे मुझे पता ना, मुझे को टेस्ट वेस्ट नहीं देखना। अरे भाई तुम कौन मना कर रहे हो, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। अरे थैंक यू। तो यार अभी अपन चलते हल्क को किडनैप कर रहे हैं। अब आपको क्यों किडनैप करना है वो तो अभी आपको पता ही चल जाएगा। तो अभी इस हेलीकॉप्टर में हम आ चुके हैं हल्क के घर के ऊपर, यहाँ पे उड़ रही है सामने इसका घर, ये हमको यहाँ पे लैंड करना है। हल्क को यहाँ से किडनैप करना है, उसको हम देने वाले हैं इसकी सरप्राइज पार्टी। एक तो उसको सरप्राइज इतना बड़ा मिलने वाला है, उसके भाई और चाचा भी वहाँ पे, और भी बहुत सारे गिफ्ट उसके लिए तैयार है, उसकी पत्नी भी आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला। तो पहले अपने यहाँ पे हेलीकॉप्टर को लैंड करा देते। अरे हेलीकॉप्टर वाले इधर क्यों आ रहे? निकल जाए यहाँ से, तेरे बाप का घर है क्या? मेरा घर है, निकल जाए, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। अबे गेंडे ये ले, अब इसके ऊपर सारे सारे स्प्रे फेंक दिए मैंने, ये बिल्कुल हो चुका है बेहोश। मैंने इसको मस्त यार बैट से मारा और ये बेहोश हो चुका है। तो इसको फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और लेके चलते हैं यहाँ से इसकी पार्टी में। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको हल्क और यहाँ पर रस्सी से बांध दिया हेलीकॉप्टर के नीचे। इसको लग रहा है कि मैंने इसको किडनैप कर लिया, पर हम इसको लेके जा रहे हैं इसकी बर्थडे पार्टी के लिए। अरे ये कहाँ हूँ मैं? अरे ये क्या हो गया? अरे मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए? अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ मैं? अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ पे इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है? अरे ये क्या, ये सबके सब इधर क्यों खड़े हैं? अरे एवेंजर्स, अरे मेरे भाई और चाचा भी इधर ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हल्क, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तुम सबको याद था मेरा बर्थडे, पर तुमने क्यों बोला था मुझे याद नहीं है? अरे यार हमें तुम्हें सरप्राइज देना था। अरे मैं तो मजा आ गया, मुझे लगा तुम सब मेरे को भूल गए हो, मेरा बर्थडे भूल गए हो। अरे भैया चाचा आप मेरे घर पे नहीं है, मुझे लगा आप मेरा बर्थडे भूल गए। सारे गिफ्ट मंगाए जाए। हल्क ये रहे तेरे सारे बर्थडे गिफ्ट, तेरे लिए साइकिल, डायमंड, गोल्ड। अबे साइकिल कौन लेके आया अबे? और तेरे लिए हेलीकॉप्टर, तेरी सारी सारी तीनों गाड़ियां वो भी अपग्रेडेड। अरे मुझे लगा मेरी तीनों गाड़ियां चोरी हो गई, पर इधर है। अरे यार मैंने चुराई थी वो। अरे दीदी इधर किधर आ रहे हो, उसका पूरी गाड़ी फोड़ोगे, निकल यहाँ से। तो हल्का एक और गिफ्ट मंगाया जाए। अरे तुम यहाँ?
अरे हल्क कैसे हो तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैंने बुलाया इसे तेरे से शादी करने के लिए। क्या ये मेरे से शादी करेगी? अरे हाँ, मुझे पता है तेरे से पहले मानी नहीं थी, पर आज तेरे से शादी करेगी। मतलब आज तो नहीं करेगी, बाद में करेगी। और एक और तेरा गिफ्ट, तेरा नया नया सूट। अरे ये मैंने अपने हाथों से बनाया है यार। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सूट है, मैं इसको पहन के देखता हूँ। ये तो बहुत मस्त सूट है। अरे वाह, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। अरे देखो, तुम मुझसे शादी करोगी, मैं इस सूट में तुमसे शादी करूंगा। अरे हाँ, शादी करेंगे, मजा आएगा। तो गाइस यार, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट में बता दो। अब यार हल्की पार्टी चल रही है, उसमें करने वाले हैं बहुत ज्यादा मजे। अगर आपको मजा आया तो लाइक कर देना। और गाइस यार, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। वहां पर बैठ के यार मस्त मस्त बातें करनी है, बहुत ज्यादा मजा आएंगे। तो गाइस यार, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।